हरियाणा के रादौर अनाज मंडी में पिछले चार दिनों से धान की भारी आवक के कारण जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि अनाज मंडी में सब्जी मंडी लगाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, जिससे शहर की सब्जी मंडी अब अनाज मंडी में लगने की बजाय अनाज मंडी के बाहर सड़कों पर लग रही है। भारी भरकम फीस चुकाने के बावजूद अनाज मंडी में सब्जी मंडी लगाने के लिए आढ़तियों को जगह नहीं मिल पा रही, जिस कारण से पिछले तीन दिनों से सब्जी के आढ़ती सड़कों पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। बार बार मांग करने पर भी सब्जी मंडी के आढ़तियों को मार्केट कमेटी की ओर से कहीं भी शहर में सब्जी बेचने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, जिससे सब्जी के आढ़तियों व किसानों में भारी रोष है। सब्जी मंडी रादौर के प्रधान विजय ढंग ने बताया कि पिछले लंबे समय से सब्जी मंडी शहर के अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे चल रही है। गेहूं व धान के सीजन में उन्हें मंडी में जाम लगने पर मंडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वह खाना बदोशों की तरह सड़कों पर सब्जी बेचते हैं। सरकार ने महामारी के दौरान उन पर 2% मार्केट फीस लगा दी है। लाखों रुपए मार्केट फीस चुकाने के बावजूद उन्हें मंडी में सब्जी बेचने के लिए जगह नहीं मिल पाती, यह उनके साथ अन्याय है। उनकी मांग है कि सरकार शहर में अलग से सब्जी मंडी की व्यवस्था करे, जिससे आढ़ती व किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 40 साल से सब्जी मंडी हमारी रादौर की अनाज मंडी में लग रही है। अनाज आने के टाइम पे सब्जी मंडी को बाहर निकाल दिया जाता है और बारिश में वैसे सब्जी खराब हो जाती है। अब इस टाइम ये दिक्कत है कि हमारे सब्जी लेने वाले को, जिम्मेदार को, लेने वाले को, खरीदार को बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत यह है कि जी कोरोना काल में हमने सब्जी मंडी के आढ़तियों ने ही सब्जी बेचकर अपनी जान पे खेलकर सब्जी बेची है, परंतु सरकार ने कोरोना की महामारी में 2% टैक्स हमारे पर ठोक दिया है और हमारे को ना कोई सब्जी मंडी में जगह दे रहे हैं और हमारे से 2% टैक्स वसूल रहे हैं। हमारी ये मांग है सरकार से, हमारी सरकार से क्या, हर एक बार हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सब्जी मंडी बनवाई जाए, अलग सब्जी मंडी बनवाई जाए, पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।